यूपी के अंबेडकर नगर का वीडियो ये बताने के लिए काफी है कि यूपी में ना तो बेटियां महफूज हैं, ना ही पुलिस का एंटी रोमियो स्क्वाड महिलाओं को लेकर सजग है और ना ही पुलिस का इकबाल बुलंद। अब आप ये परेशान करने वाली सीसीटीवी फुटेज वीडियो देखिए। इंटर की छात्रा स्कूल से घर लौट रही है, दो सहेलियां साइकिल पर सवार हैं। इस दौरान बाइक पर बैठे दो मंचलों ने एक छात्रा का दुपट्टा खींच लिया, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ा और वो साइकिल सहित सड़क पर गिर पड़ी। इस दौरान दूसरी बाइक से उसकी टक्कर हो जाती है। छात्रा की दोस्त उसे बचाने के लिए भागती है, लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है। छात्रा का सिर फटने और जबड़ा टूटने से उसकी मौत हो जाती है। कल ये हुआ, मेरी बेटी पढ़ के आ रही थी, जैसे मोड़ से मुड़ी आगे बढ़ी हीरापुर बाजार फेकू दुकान के सामने, वही दो मोटरसाइकिल पर दुपट्टा खींचे और एक चटकना लगाए भी, और वो तुरंत गिर पड़ी, साइकिल टूटी। उसके बाद पीछे से फैसल नाम का लड़का उसको रोकते हुए सिर पर की, सिर उसका फूटा, जबड़ा टूट गया। ये पहला दिन नहीं था, इसके पहले भी मंचले छात्रा से छेड़खानी कर चुके हैं, जिसकी शिकायत उसने परिजनों से की थी। हाँ, हमसे बताया था, मैं दो तीन दिन से लगा था कि लड़का परेशान करता था पीछे। क्या नाम है लड़के का? शहनाज अरबाज। पुलिस में एफआईआर किया? एफआईआर कर दिए। महिला अपराधों से जुड़ी ये वारदात इतनी बड़ी है कि समाजवादी पार्टी को भी इस पर बोलना पड़ा। पार्टी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, योगी राज में बेखौफ गुंडों की छेड़छाड़ से चली गई छात्रा की जान। अंबेडकर नगर में बदमाशों ने दिन दहाड़े स्कूल से घर जा रही छात्रा का दुपट्टा खींचा, जिससे हुई दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। महिलाओं के लिए प्रदेश में डर का माहौल, शहीदों के हौसले बुलंद, झूठे मुख्यमंत्री बेसुध, आरोपियों को गिरफ्तार करे पुलिस, हो न्याय। छात्रा की मौत के बाद पुलिस भी जाग गई। पुलिस ने एक्शन लेते हुए तीनों नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। दो लड़कियां जो स्कूल से पढ़कर आ रही थी, उसमें एक लड़की के साथ लड़कों ने छेड़खानी की, जिससे लड़की साइकिल से गिर गई। पीछे से आने वाली बाइक ने उस लड़की के ऊपर एक्सीडेंट कर दिया। घरों के द्वारा तहरीर दी गई है, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो इसमें नामजद अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष कार्रवाई सात संकलन के आधार पर की जाएगी। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी कर अपना पल्ला तो झाड़ लिया, लेकिन सवाल ये है कि इतने दिन से छात्रा से सरेराज छेड़छाड़ होती रही, तब गश्त करने वाली पुलिस कहाँ सो रही थी? क्या यही है पुलिस का इकबाल? क्या ऐसे यूपी पुलिस बेटियों की सुरक्षा का दम भरती है? इस बेटी के असली गुनाहगार कौन है, ये आरोपी या फिर लापरवाह यूपी पुलिस? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।